please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. बढ़ते हैं आगे। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ आज धारा 377 को लेकर बड़ा फैसला सुना सकती है। सुप्रीम कोर्ट से धारा 377 को गैर कानूनी करार देने की अपील की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में अपने ही एक फैसले में समलैंगिक यौन संबंध को अपराध की श्रेणी में रखा था, जिसके बाद मामला 5 जजों वाली संवैधानिक पीठ को सौंपा गया था। धारा 377 को चुनौती देने वाली याचिकाओं में इसे मौलिक अधिकारों का हनन बताया गया है। 2009 में भी दिल्ली हाई कोर्ट ने धारा 377 को गैर कानूनी घोषित किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 2009 में इस फैसले को रद्द कर दिया था। हम लोगों को सबको उम्मीद है कि ये हमको जो न्याय चाहिए, और सिर्फ हमको ही नहीं, ये कायदा सिर्फ समलैंगिक लोगों के लिए नहीं है, ये कायदा पूरे हिंदुस्तान के लिए है। हर एक भारत के नागरिक को ये कायदे से अपने मानव अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, क्योंकि भारत के संविधान में साफ लिखा है कि हमें जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, हमारे जो 4 आर्टिकल्स है उसके जरिए, जिसमें कि राइट टू इक्वालिटी है और राइट नॉट टू बी डिस्क्रिमिनेटेड है। ये सब देखते हुए मुझे लगता है कि चांसेस अच्छे हैं कि डिक्रिमिनलाइजेशन होगा, पर 100% ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब तक वो जजमेंट हमारे सामने नहीं आएगा, हम नहीं कह सकते विद 100% सर्टेनिटी कि ये जो जजमेंट है हमारे फेवर में जाएगा। पर लग तो ऐसे रहा है, क्योंकि बेंच को अगर देखें, जिस तरीके से उन्होंने क्वेश्चंस की थी, वो सब देखते हुए हमें काफ़ी पॉजिटिव लग रहा है। और इस वक्त हमारे दो सहयोगी हमारे साथ लाइव मौजूद हैं, हम उनके पास चलते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं प्रियंका कांडपाल के पास। प्रियंका, हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले के पक्ष में फैसला सुना चुका है, इसके बाद लीक से हटकर इस मामले की सुनवाई हुई, ऐसे में हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक क्या क्या पड़ाव रहे? जी, बहुत लंबी लड़ाई रही है ये, और ऐसे में वो लोग जिन्होंने इस लड़ाई को देखा है, लड़ा है, उनमें से एक मनु इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मनु, लंबा सफर है आज, क्या कुछ उतार चढ़ाव देखे? उतार चढ़ाव पिछले 20 साल से बहुत देखे हैं, कि पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने एक फेवर में जजमेंट दिया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, देन पार्लियामेंट, एंड देन अगेन सुप्रीम कोर्ट के पास आया, तो बहुत लंबे उतार चढ़ाव रहे हैं। लेकिन आज हमें एक अच्छी उम्मीद के साथ, हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि 10:30 बजते ही शायद हमें कुछ एक नया दिन और नई शुरुआत के साथ हम लोग अपनी ज़िंदगी शुरू कर सकें। तो क्या क्या उम्मीदें हैं आज फैसले? फैसले का बेसिकली जो मेन, जो अगर लड़ाई हुई है तो लड़ाई का जो एक वर्डिक्ट रहा है उसका ये है मेन, कि 2 एडल्ट कंसेंट का जो है बेसिकली, उसको लेकर के सबसे मुख्य मुद्दा है। बाकी मुद्दे भी हैं, लेकिन जो प्रायोरिटी में आज है कि शायद हमें है कि अगर इस एक मुद्दे के ऊपर अगर कुछ भी आज वर्डिक्ट आता है तो शायद एक पॉजिटिव अगर आता है तो वो पूरी कम्युनिटी के लिए एक बड़ा अच्छा दिन होगा। जी, तो जाहिर तौर पर लंबी लड़ाई है, तकरीबन 20 साल की लड़ाई रही है। पहले 2009 में तकरीबन हाईकोर्ट ने इसे स्क्वैश कर दिया था, 2013 में सपोर्ट में फैसला दिया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसे स्क्रैप कर दिया था, और आज फिर से ये सुप्रीम कोर्ट के सामने है। ऐसे में तमाम जो एक्टिविस्ट हैं, तमाम वो लोग जो एलजीबीटी कम्युनिटी से जुड़े हुए हैं, वो सुबह से सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रहे हैं और यहाँ जुड़ना शुरू हो गए हैं। जी बिल्कुल। और अब हम मुंबई चलते हैं अमन सैयद के पास। अमन, देखा हमने सुनवाई के समय की जजों की टिप्पणी से कि समलैंगिकता के पक्ष में उन्होंने टिप्पणी की, हालांकि अभी कयास नहीं लगाए जा सकते हैं, लेकिन अगर फैसला पक्ष में आता है तो बहुत बड़ी राहत होगा ये। निश्चित तौर पर मैं इस वक्त हमसफर ट्रस्ट के दफ्तर में हूँ, और जो रंग मेरे पीछे है और जो लोग मेरे साथ हैं, काफ़ी पॉजिटिव वाइब्स है यहाँ पर। हमारे साथ जो लोग हैं, ये काफ़ी लंबी लड़ाई लड़ी है इन्होंने भी, कानूनी लड़ाई इस पूरे मामले में, हम उनसे ही बात करेंगे। आज जो फैसला उम्मीद कर रहे हैं, क्या आपको उम्मीदें हैं और किस तरह देख रहे हैं आप? हम उम्मीद तो यही करेंगे कि हमारे फेवर में वर्डिक्ट आएगा, और हमने कोशिश तो बहुत की है, 18 सालों से ये लड़ाई हम लड़ रहे हैं, और इस साल तो हम लोगों ने खुद एक याचिका डाली है सुप्रीम कोर्ट में, तो हम हमारी उम्मीद यही होगी कि हमारे फेवर में आएगी। बहुत काफ़ी दिक्कतें थी, जो मेजर इश्यूज़ जो थे उसके बारे में बताइए। बहुत इश्यूज़ आते हैं बेसिकली, बिकॉज 377 यूज़ करके एक्सटॉर्शन होता है, यू नो, पुलिस वाले मनी लेने की कोशिश करते हैं, बहुत हैरेसमेंट होता है कम्युनिटी को, तो ये हमारी सबसे बड़ी इशू है।
निश्चित तौर पर जिस तरह एक जो बात भी कही गई थी कि जो ये क्रिमिनलाइजेशन है 377 का, उसको लेकर आपने जो लड़ाई लड़ी थी, अब आज फैसला आएगा, काफ़ी उम्मीदें लग रही हैं आपको इस फैसले से, और क्या आप सोच रहे हैं कि अब लड़ाई या आपको इंसाफ अब मिल जाएगा? जी हमारी उम्मीद तो यही होगी, क्योंकि इसके बाद हमारे पास और कोई लीगल ऑप्शन नहीं रहेगा, तो हम यही कोशिश करेंगे कि अगर कोर्ट से हमें जस्टिस मिलना है तो हमें आज ही मिलेगा, और इसके बाद अगर होगा तो हमें सिर्फ पार्लियामेंट के साथ काम करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास और कोई लीगल ऑप्शंस नहीं बचेंगे। निश्चित तौर पर तो इनका कहना है कि आज कोर्ट में अगर उनके फेवर में अगर नहीं आता है तो उनके पास पार्लियामेंट का भी ऑप्शन है और वो भी उसे एक्सप्लोर करना चाहेंगे। जसप्रीत, बिल्कुल, तो अमन आप नजर बनाए रखिए, आगे आपसे अपडेट लेंगे, साथ ही प्रियंका आपके पास भी वापस लौटेंगे। फिलहाल आप दोनों का इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट आज अहम सुनवाई करेगी। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली बेंच दोपहर 2 बजे मामले की सुनवाई करेगी, जिसमें ये तय किया जाएगा कि मामले में अब तक नजरबंद 5 एक्टिविस्ट की नजरबंदी की मियाद आगे बढ़ाई जाए या फिर इन्हें पुणे पुलिस की हिरासत में वापस सौंपा जाए। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था और 6 सितंबर तक उन्हें घर में नजरबंद रखने का आदेश दिया था। 28 अगस्त को नक्सल समर्थक होने के आरोप में 5 वामपंथी विचारक सुधा भारद्वाज, वरावरा राव, अरुण फरेरा, वेरनॉन गुंजालविस और गौतम नवलखा को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें 30 अगस्त को एससी ने आरोपियों की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। एहतशाम हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। एहतशाम, आज सुप्रीम कोर्ट में मामले की अहम सुनवाई होनी है और इससे पहले मुश्किलें इनकी ये बढ़ गई हैं कि पुणे पुलिस ने कह दिया है कि उनके पास अहम सबूत हैं। देखिए, पुलिस से सुप्रीम कोर्ट ने एक रिपोर्ट तलब किया था और उसी रिपोर्ट के आधार पर आज सुनवाई होगी, इसलिए कि पिछली सुनवाई में जब इन लोगों को थोड़ी सी राहत ये दी गई थी इन 5 आरोपियों को कि उनको जेल ना भेजा जाए और पुलिस हिरासत में ना रख के उनके घर में रहने दिया जाए, तो उस वक्त कोर्ट ने ये कहा था कि हमें दोनों पक्ष देखना है और इनके खिलाफ किस तरह के आरोप हैं और पुलिस के पास क्या सबूत है इसको भी देखना है। तो आज महाराष्ट्र पुलिस की तरफ से जो एफिडेविट कल दाखिल हुआ था उस पर आज कोर्ट देखेगी कि जो आरोप बताए गए हैं पुलिस की तरफ से और उसके पीछे क्या सबूत दिए गए हैं, क्या वो काफी हैं इन लोगों के खिलाफ मुकदमे चलाने के लिए। अगर कोर्ट को ये लगता है कि वो जो एविडेंस पुलिस दे रही है वो काफी है तो फिर इनकी मुश्किलें बढ़ सकती है, वरना फिर इनको आगे भी कुछ राहत मिल सकती है। बिल्कुल एहतशाम, हमने देखा था कि जब इस मामले में पहले सुनवाई हुई थी तो अहम टिप्पणियां की गई थी इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। देखिए, वो एक प्राइमर सेसाई जिसको कह सकते हैं, प्रिलिमिनरी एक व्यू था कोर्ट का उस वक्त, क्योंकि माहौल इस तरह से बना था, ये लग रहा था कि इन लोगों को एक अलग विचारधारा रखने की वजह से गिरफ्तार किया जा रहा है या प्रताड़ित किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो लोग याचिकाकर्ता आए थे वो भी काफ़ी जाने माने अपने फील्ड के बड़े एक्सपर्ट हैं, रोमिला थापर एक बड़ी इतिहासकार हैं, तो कोर्ट ने उसको देखते हुए ये कहा कि अगर ये बात है कि एक अलग विचारधारा रखने की वजह से प्रताड़ित किया जा रहा है तो उसको कोर्ट सीरियसली लिया था। बिल्कुल एहतशाम, आप नजर बनाए रखिए, अपडेट आपसे लेंगे, फिलहाल शुक्रिया आपका।